गाड़ी के टैंक में जब फ्यूल लो हो जाता है तो हमें गाड़ी अलग अलग तरीके से वार्निंग देती है, अलग अलग टाइम पर भी वार्निंग देती है। अब मेरी गाड़ी है नेक्सॉन डीजल, इसका फ्यूल टैंक है 44 लीटर्स का। जब इसमें 32 लीटर्स डीजल खर्च हो जाता है, मतलब 12 लीटर डीजल बच जाता टैंक में, उस टाइम पर इसकी पीली बत्ती जल जाती है, मतलब हमारा रिजर्व जो है वो लग चुका है। अगर हम फिर भी इसको फिल नहीं कराते हैं तो 6 लीटर और खर्च होगा, और 6 लीटर जब इसमें बच जाएगा तो ये वाली जो बत्ती है ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, मतलब अब हम क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद भी अगर हम नहीं भरवाते हैं, जब इसमें 2 लीटर डीजल रह जाएगा, उस टाइम पर हम कितना भी पंजा दबा लें, कितना भी एक्सेलरेट कर लें, गाड़ी उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। ये धीरे चलेगी, 40-50 मैक्सिमम ये स्पीड पकड़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी हमें दे पाए। आपके पास कौन सी गाड़ी है, वो किस तरीके से आपको वार्न करती है, बताइएगा ज़रूर।